पुलिस विभाग को जानकारी मिली कि रोहा में सांपों का जहर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की फिराक में कुछ लोग लगे हुए हैं, जिसके लिए पुलिस विभाग ने टैप लगा दिया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को 3 व्यक्ति संदिग्ध लगे, जिन्हें हिरासत में लिया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से जहर बरामद कर लिया गया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपए तक है। पकड़े गए आरोपियों में एक पैथोलॉजी डॉक्टर भी शामिल है, जिनके पैथोलॉजी लैब तलोजा में बताई जा रही है। पकड़े गए डॉक्टर के विषय में ये जानकारी मिली है कि उसने विदेश में शिक्षा ग्रहण की है। आरोपी डॉक्टर का नाम है अविनाश जोशी, वही दूसरे आरोपी का नाम है योगेश म्हात्रे, जो रियल इस्टेट एजेंट है, और तीसरा स्थानीय नागरिक बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि 1.5 करोड़ का जहर प्राप्त करने के लिए एक दो नहीं बल्कि हजारों सांपों की बलि ली गई होगी। अब पुलिस को यह लग रहा है कि पकड़े गए आरोपियों का संबंध कई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से तो नहीं है। पुलिस कड़ी दर कड़ी आरोपियों के तार जोड़ रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि आगे और कौन कौन सा चौका देने वाला रहस्य सामने आता है। पकड़े गए सभी आरोपियों पर वन्य जीव अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है और उन्हें अलीबाग न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया है, जिसके बाद 18 तारीख तक आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।